नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही नए तरीके से राखियां बनाना बता रही हूँ, जिसमें मैं हॉट ग्लू गन का यूज करके तीन तरह से राखियां बनाऊंगी, जो देखने में रेजिन राखियों जैसी दिखती हैं। इन्हें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर्स शेप्स में कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। पहली राखी बनाने के लिए मैं सबसे पहले राखी की डोरी के लिए ग्रीन ऊन को काट लूंगी। अब मैं स्टील की दो प्लेट्स लेकर इनके बैक साइड में वैसलीन लगाऊंगी। अब मैं एक प्लेट में हॉट ग्लू गन से रेक्टेंगल शेप का एक बेस बनाऊंगी और फिर ऊन को पेंट ब्रश के बैक साइड की हेल्प से प्रेस करते हुए अटैच कर दूंगी एंड फिर इस ग्लू को ड्राई होने दूंगी। अब मैं ग्रीनरी और स्काई ब्लू एक्रिलिक कलर को बेस में पेंट करूंगी। आप चाहें तो किसी भी एक कलर का यूज कर सकते हैं। अब मैं पिंक कलर की ग्लिटर डस्ट को ड्राई पेंट ब्रश की हेल्प से बेस में रेंडमली डालूंगी। अब मैं इसकी बॉर्डर्स में पर्ल मेटालिक गोल्ड कलर की शेडिंग करूंगी एंड फिर इसके ऊपर गोल्डन ग्लिटर डस्ट डालूंगी एंड फिर इसे ड्राई होने दूंगी। अब मैं इसके ऊपर हॉट ग्लू की एक लेयर बनाते हुए इसे पूरी तरह कवर कर दूंगी और फिर जो हमारी दूसरी प्लेट थी उससे बहुत हल्के से इसे प्रेस करूंगी, जिससे इसकी सरफेस फ्लैट हो जाए एंड इसे ड्राई होने दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अब मैं राखी को प्लेट से निकाल लूंगी। अब मैं एक्सेस ग्लू को कट कर दूंगी। अब मैं राखी की दो बॉर्डर्स में फिर से हॉट ग्लू लगाऊंगी, जिससे ये बॉर्डर्स ट्रांसपेरेंट दिखेंगी और ये हमारी राखी को रेजिन राखी जैसा लुक देंगी। अब मैं पर्ल पिंक और पर्ल मेटालिक गोल्ड 3D आउटलाइनर से इसमें प्यारा भाई लिखूंगी। आप इसमें अपने भाई का नाम भी लिख सकते हैं।
अब मैं ब्लैक 3D आउटलाइनर से इसके साइड में छोटी सी मूंछ बनाऊंगी एंड फिर इसे ड्राई होने दूंगी। अब मैं राखी के दोनों साइड के ऊन के एंड्स में थोड़ी फैब्रिक ग्लू लगाकर इसे ड्राई होने दूंगी और फिर इसकी हेल्प से दोनों साइड एक एक गोल्डन बीट्स डालूंगी। अब मैं बीट्स को सिक्योर करने के लिए दोनों साइड नॉट्स लगा दूंगी। अब मैं दोनों साइड के ग्लू लगे एंड्स को कट कर दूंगी। इस तरह हमारी पहली राखी बन गई है। आप इसी तरह अलग अलग कलर्स की और भी राखियां बना सकते हैं। दूसरी राखी बनाने के लिए मैं पहले की सेम प्रोसेस फॉलो करूंगी, लेकिन इसके बेस को मैं राउंड शेप में बनाऊंगी एंड फिर इसमें रेड ऊन को अटैच करके इसे ड्राई होने दूंगी। अब मैं इसमें क्रिम्सन रेड कलर पेंट करके इसकी बॉर्डर्स में गोल्डन ग्लिटर डस्ट डालूंगी एंड इसे ड्राई होने दूंगी। अब मैं पहली राखी की तरह ही इसके ऊपर हॉट ग्लू की एक लेयर बनाऊंगी एंड इसे ड्राई होने दूंगी और फिर एक्सेस ग्लू को कट कर दूंगी। अब मैं इसके बीच में ग्लू गन की हेल्प से एक ग्रीन स्टोन स्टिक करूंगी। अब मैं पहले की प्रोसेस फॉलो करते हुए इसके दोनों तरफ के ऊन में दो दो गोल्डन बीट और इनके बीच में एक एक ग्रीन बीट डालूंगी। इस तरह हमारी दूसरी राखी भी बन गई है। आप इसी तरह अलग अलग कलर्स की और भी राखियां बना सकते हैं। तीसरी राखी बनाने के लिए मैं सबसे पहले डोरी के लिए रेड ऊन लूंगी। अब मैं ब्लू कलर की ग्लिटर डस्ट लूंगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी कलर की ग्लिटर डस्ट ले सकते हैं। मैंने यहाँ रोज शेप का सिलिकॉन मोल्ड लिया है। अब मैं मीडियम साइज के रोज मोल्ड में ग्लिटर डस्ट की एक लेयर डालूंगी और फिर इसके ऊपर हॉट ग्लू की एक लेयर डालूंगी। अब मैं फिर से इसके ऊपर ग्लिटर डस्ट की एक लेयर और इसके ऊपर फिर से हॉट ग्लू की एक लेयर डालूंगी।
अब मैं ग्लू के ड्राई होने से पहले इसमें ऊन को पेंट ब्रश के बैक साइड की हेल्प से अटैच कर दूंगी एंड इसे प्लेट के बैक साइड से हल्का सा प्रेस करूंगी जिससे इसकी सरफेस फ्लैट हो जाए एंड इसे ड्राई होने दूंगी। अब मैं इसे मोल्ड से निकालकर एक्सेस ग्लू को कट कर दूंगी। अब मैं पर्ल मेटालिक गोल्ड कलर से रोज को हाईलाइट करूंगी एंड इसे ड्राई होने दूंगी। अब मैं पहली राखी की तरह ही इसके दोनों तरफ एक एक गोल्डन बीट डालूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। इस तरह हमारी तीसरी राखी भी बन गई है। आप इसी तरह अलग अलग कलर्स की ग्लिटर डस्ट से और भी राखियां बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।